Look at several examples of rational number in the form of p by q, where q is not equals to 0. Where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, expansions. Can you guess the property q must satisfy? आइए देखते हैं इसमें हम लोगों को examples देने हैं बस, ठीक है? अब देखिए जैसे पहले एग्जाम्पल हम लोग चलिए देते हैं 1/2 का, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब इधर अगर हम लोग दोनों तरफ 5/5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/10। 5/10 जो हमारा होगा वो 0.5 होगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा हमारे पास है 1/4। 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। अब 1 में आप यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 में भी आप 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25/100 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0.25। तीसरा देखिए, तीसरे में मान लीजिए हमारे पास लिखा है 5/8। 5/8 को अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 125 से, तो यहां हमारा आ जाएगा 625 अपॉन ये, इधर हमारा आ जाएगा 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.625, सही है। चौथा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चौथा एग्जांपल मान लीजिए है हमारे पास 36/25 का, तो 36 इंटू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मान लीजिए 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं इस बार, मतलब नीचे हम लोगों को टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स के फॉर्म में लाना है इसमें। तो देखिए नीचे तो हमारा आ गया 100, 25 इंटू 4 100 होता है और 36 इंटू 4 144, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.144। ये एग्जांपल्स देने थे, आप ऐसे दे सकते हो और भी दे सकते हो, बस आपको नीचे टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स की प्लेस में लाना होगा जो डिनोमिनेटर होगा।